अभी हम जा रहे हैं मोती बाजार की ओर, हर की पैड़ी के प्रमुख द्वार के साथ सामने से जो मार्ग है देख रहे हैं, हर की पैड़ी के प्रमुख द्वार के सामने जो मार्केट है वो हर की पैड़ी से मात्र लगा हुआ 100-200 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट काफी सारे संख्या मिल जाएंगे। देख रहे हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं और यहाँ पे शॉपिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं काफी अच्छे। इधर से आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं नई घाट, मोदी बाजार में दुकान अभी खुला भी नहीं, काफी सारे दुकान अभी बंद है। यहाँ पे आपको फेमस फेमस रबड़ी शर्मा जी से इस मार्केट में 12 बजे के बाद बहुत भीड़ होता है, किसी भी मौसम में आ जाए, किसी भी सीजन में आ जाए आप, क्योंकि 12 बजे तक दुकान जो है वो खुल जाते हैं। और अभी आप देखेंगे भीड़ का भी स्टार्ट है, भीड़ अभी और भी बढ़ेगा। इस बार सब जाएंगे तो कुशा घाट भी जा सकते हैं, सुभाष घाट भी जा सकते हैं, मनसा देवी की पैदल मार्ग, रोप वे का मार्ग, अप रोड मार्केट और साथ में आप जा सकते हैं रोडवेज रेलवे स्टेशन। अब भीड़ आपको बढ़ते हुए क्योंकि कुछ लोग यहाँ से कट जाते हैं सुभाष घाट के लिए, क्योंकि इस मार्ग में शॉर्टकट काफी ज्यादा है तो लोग आधा भी से ही कट जाते हैं। मेन जो भीड़ है अभी आपको देखने को मिलेगा। लगभग सारे चीजें मिलेंगे आपको घर सजाने की यहाँ पे। अभी आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रहा है और जब भीड़ होता है तो फिर आपको ध्यान भी रखना होगा कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको रूम की सुविधा सबसे अच्छा कहाँ पे मिलेगा, कितने में मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी सुबह के 9 बजे हैं जिसकी वजह से दुकान बंद है। एक मार्ग यहाँ से कट जाएगा जो कि हम इस मार्ग से नहीं जाएंगे। इधर से आएंगे इधर से तो सीधे ये मार्ग गया हुआ है मनसा देवी के रूप पे रेलवे स्टेशन रोडवेज, और ये वाली मार्ग गया हुआ है कुशा घाट से। भीड़ देख रहे हैं आप, चलने का जगह नहीं है इधर तो। लगभग हमने सारी जगह के दृश्य दिखा दिया, घाट मार्केट होटल धर्मशाला और फेमस आपको खाने पीने की चीजें यहीं पे मिलेंगे, जूस पकौड़े। अब हम पहुंचेंगे सुभाष घाट पे, ये हम पहुंच चुके सुभाष घाट में। अब यहाँ पे भोले की संख्या आपको देखने को मिलेगी जल लेते हुए, और गूंज रही हर हर महादेव का जयकारा देख रहे हैं भीड़ श्रद्धालुओं की। यहाँ से आपको पूरा घाट का दृश्य देखने को मिलेगा, माँ गंगा के बैठे जल की धारा जो कि काफी ज्यादा बट फैली है। और ये है हाथी वाला ब्रिज
जहाँ पे लोगों की संख्या आप देख रहे हैं। ऋषिकेश बाईपास तक का हम आपको दृश्य दिखाएंगे। बोले थे ऋषिकेश बाईपास बस आने ही वाला है। देख रहे हैं लोगों की संख्या कितना ज़्यादा है, यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ से आपको भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा घाट फूल है, चाहे इधर की बात कहे। ये हम आ चुके हैं ऋषिकेश बाईपास वाले मार्ग में, जहाँ लोगों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, खासतौर पर कांवड़ यात्रियों की। देख रहे हैं उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे नमामि गंगे।